हरिओम। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को और शेखर जी को हृदय से प्रणाम करते हुए, मित्रों ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है 14 तारीख को, देखिए सूर्य ग्रहण एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना भी है। सूर्य चंद्र ग्रहण वैसे होते रहते हैं, पर इसके समय जो ये समय आ रहा है, जैसे अमावस्या, पितृ अमावस्या, बहुत सारी अकाल मृत्यु जिनकी होती है, वो ऊर्जाएं अमावस्या के आसपास जमीन से चिपक करके चलती। इसीलिए कहा गया है इस समय पवित्र नदियों का जल हम अपने सर पर डालें तो हमारा राहु ठंडा हो, हम पर कोई गलत आत्मा का प्रभाव ना हो। और ये दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ये खाली भारत में ही होती हैं। हर जगह पे अमावस्या जब होगी तो ये स्प्रिट्स चिपक के धरती से चलेंगी। पितृ अमावस्या है, बहुत बड़ी मात्रा में, विशाल स्थिति में इन्हीं का दौर चलेगा। प्लस अगले उसी दिन शाम को सूर्य ग्रहण एक तो बहुत बड़ा साधना का अवसर है, क्योंकि ग्रहों का एक ऐसा ट्रांजिट हो रहा है कि हम बदल सकते हैं। अच्छा, इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर एक बहुत गुप्त होने जा रहा है कि ये परमाणु युद्ध की धुरी बनने जा रहा है ग्रहण, या एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आना ही आना है इसको, चाहे वो मंगल राहु के दृष्टि संबंध समसप्तक की वजह से ये रोगों का कोई नया बवंडर तैयार कर दे, अस्पतालों में लोगों की लाइन लग जाएगी, और कहीं ना कहीं एक परमाणु युद्ध की धुरी कई मुहानों पर छिड़ती दिखाई पड़ेगी। हमारे राजा को मंगल की दशा चल रही है, आदरणीय मोदी जी को, कहने का मतलब है। अच्छा, इसका प्रभाव कहाँ जाएगा इस सूर्य ग्रहण का, वैसे तो इस भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पर देखिए अमेरिका और कनाडा पर हो, और कनाडा में क्या राजनीतिक उथल पुथल भारत को लेकर चल रही है। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक जगह पे कोरोना आया था और यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, उसका प्रभाव थोड़ा देर से आएगा। ये सूर्य ग्रहण ठीक उसी प्रकार से है जो कोरोना से पहले एक सूर्य ग्रहण हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने साधना की थी, उसी साधना का बल था कि मेरे शरीर में भगवती माँ ने एक छोटी सी चोट दे करके विटामिन डी की पूर्ति की थी। और मैं जितने भी युवा बच्चे हैं जो थोड़ा सात्विक हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि यथासंभव इस सूर्य ग्रहण का प्रयोग एक साधना के लिए करें। कोई बीज मंत्र बिल्कुल शांत मनोभाव से, सूर्य के सामने ना सही, नदी के सामने ना सही, कमरे में बैठ करके किसी छोटे से पीपल के सामने या पेड़ के सामने या पेड़ के पास में या गमले के पास में करने का प्रयास करें। आपका हार्मोनल बैलेंस बहुत स्वस्थ हो जाएगा, वरना इस ग्रहण का प्रभाव कुछ बहुत बड़ा हमारी सेहत पर आने जा रहा है, क्योंकि मंगल और राहु के एक्सेस में है। और मंगल राहु को देखे, चाहे राहु मंगल को देखे, समसप्तक से बीमारियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिख रही है मुझे, अस्पतालों के चक्कर दिख रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ दिख रही है, मास पब्लिक अस्पताल में जाएगी, भगवान ना करे। क्योंकि सूर्य ग्रहण जैसे कई जब सूर्य चंद्र ग्रहण होते रहते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस को बढ़ाती है धरती के। अच्छा, नवरात्रि 9 दिन में कुदरत बदलती है, स्वरूप लेती है, तो वायरस भी एक नए तरह से स्वरूप लेगा। अब वो कौन सा वायरस हो ये तो वो भगवान जाने, पर मेरा प्रयास ये है कि जितने भी श्रोता हैं वो थोड़ा सा साधना में जाएं और रक्त की शुद्धि में जाएं, नहीं तो अस्पतालों में एक बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। और परमाणु युद्ध की धुरी कनाडा अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में कुछ पड़ने ही वाली है, बहुत बुरे स्थिति में, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण सीधे अमेरिका और कनाडा पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन घूम करके दूरगामी प्रभाव तो पूरे विश्व पे आना है। आज ये सीधा ग्रहण जो है वो कनाडा और अमेरिका को प्रभावित कर रहा है, पर ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल वर्ल्ड है, अर्थव्यवस्था पूरी दूसरे से जुड़ी है, कि अगर अमेरिका पे प्रभाव आएगा तो विश्व पे प्रभाव नहीं आएगा, ऐसा नहीं। और कनाडा पे भी ग्रहण है, और कनाडा को लेकर के भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है किसी से कुछ भी छिपा नहीं है। तो बस इतना कहूँगा
कि सूर्य ग्रहण को थोड़ा साधना के दृष्टिकोण से प्रयोग करें। जिनको सूर्य की दशांतर दशा चल रही है, जिनकी कुंडली में बहुत प्रबल पितृ दोष है, वो इसको परिवर्तन, इस अपनी कुंडली पे एक विशेष तरह से परिवर्तन भी ला सकते हैं। जो यजमान जानना चाहें मुझसे संपर्क करके चीज़ जान सकते हैं, और किसी भी गुरु से योग्य आप मिलेंगे तो वो आपको वैज्ञानिक आधार पर बता देगा कि इस सूर्य ग्रहण का प्रयोग आप किस तरह की साधना को करके या किस तरह के दान पुण्य या पेड़ लगा करके आप अपने ग्रहों को दाब सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली ग्रहण है। ठीक कोरोना से पहले जैसा सूर्य ग्रहण पड़ा था उसी तरह का ये सूर्य ग्रहण है, भगवान ना करे, लेकिन ये कहीं भी असर करेगा वो घूम फिर कर धीरे धीरे शनै शनै, क्योंकि शनि की दृष्टि भी राहु पर है और मंगल की भी राहु पर है, तो शनै शनै पहुँचेगा तो पूरे विश्व में। पर हम आप थोड़ा प्रयास कर सकते हैं कि ये सीधे हम पर प्रभाव ना डालें। सूतक मान्य नहीं है, डरने की भारत में वैसी कोई वजह नहीं है, बस कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा साधना में उतरिए, थोड़ी ही देर सही अपने गुरु का मार्गदर्शन लें, साधना में उतरें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपकी कुंडली का नवम भाव सूर्य बलवान है तो ये सूर्य ग्रहण आपको उठाएगा भी बहुत बुरी तरीके से, बहुत अच्छाई तक ले जाएगा। वैसे भी समय बहुत बिकट है, भविष्य मालिका हो चाहे जो भी हो सब देख ही रहे हैं। इस तरह से सूर्य ग्रहण की आवृत्तियाँ, चंद्र ग्रहण की आवृत्तियाँ और मौसमी चक्र का परिवर्तन, ऊपर से वायरस एक्स आ रहा है, ऊपर से मोदी जी को भी मंगल की दशा में, शनि अभी तो गुरु का अंतर है, जब शनि का अंतर आएगा तो बहुत कुछ होगा। राजा की कुंडली बड़ा काम करती है, विश्व स्तर पर ये ग्रहण बहुत बड़ा परिवर्तन लेने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन। और कनाडा अमेरिका से ये चीज़ दिखने लगेगी इन 45 डेज में ही। हरिओम। अखंड मंदन के सभी दर्शक स्वस्थ रहें, मेरी सभी माएँ स्वस्थ रहें। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हैं आप शेखर जी को और मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। हरिओम।